मेरा नाम विद्याशंकर है विद्या जी, कल मोहन भागवत जी ने एक स्पीच दी है जिसको जी आपने भी सुना होगा, जी क्या कहना है आपका इसमें? भागवत जी ने बिल्कुल सही कहा और उन्होंने सारी बातें अच्छी कही। देखिए उन्होंने क्या कहा कि जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ तो भारत ने कितनी मदद की। उन्होंने फिर कहा कि हम हिंदू एकजुट हैं और हम किसी मुसलमान को भी तंग नहीं करेंगे, लेकिन हमारे जितने हिंदू भाई हैं, जितने सनातनी लोग हैं पूरे दुनिया में, उनकी भी सुरक्षा का ख्याल हमें होना चाहिए और यही ह्यूमनिटी भी कहती है। आज तक किसी भी आरएसएस के लोग या बीजेपी के लोग, जो लोग बदनाम करते हैं कि वो अगेंस्ट मुस्लिम है, ऐसा कभी उन्होंने, कोई प्रवक्ता ने कभी ऐसा कुछ बोला ही नहीं। हम यही चाहते हैं कि भाई पूरे दुनिया में स्वार्थरहित भाषा बन रहे, सब लोग साथ में रहें, इकट्ठे रहें, और जो हमारे सनातनी लोग आज बांग्लादेश में हैं उनकी भी सुरक्षा होनी चाहिए। और ये भी हमने देखा, अभी मैं कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले मैं न्यूज़ में देखा कि वहाँ पे जो इसराइल ने जो अटैक किया है, वहाँ से उन्होंने आतंकवादी गुट को भेजा है और अगेंस्ट इंडिया की बांग्लादेश में जाके तुम तबाही मचाओ ताकि इंडिया को हम घेरें, तो ये तो उनकी भूल है और हम को एकजुट होना ही पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान है उसको भी इससे जोड़ के देखा जा रहा है, जो उन्होंने कहा था बटेंगे। हाँ, उन्होंने इससे क्लियर कहा था कि बटोगे तो कटोगे, और ये बात को मोदी जी ने भी कुछ अलग तरीके से, लेकिन कहने का सेंस उनका वही था मोदी जी का, कि जब हम अलग होंगे तो जो बाकी जो लोग हैं वो खुशियां मनाएंगे, और भागवत साहब ने भी इसी लहजे में कहा। ये सच्चाई भी है। देखिए एक परिवार में यदि हम लोग हैं, 10 व्यक्ति हैं, 10 के 10 हम एकजुट रहेंगे तो डेफिनेटली उस परिवार का भला होगा। कोई भी व्यक्ति उस फैमिली में हो उसका कभी कोई बुरा नहीं होगा, और ये हमें होना भी चाहिए। मेरा नाम धर्मपाल सिंह, डीपी सिंह मेरा नाम। मैं वही बता रहा था, विचार जो मोहन भागवत जी के बहुत अच्छे हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी यही बोला और यही सब बातें बोली हैं, जो ना योगी ने भी, कि हिंदुओं को इकट्ठा हो जाना चाहिए। खामियां बहुत हैं, खामियां ये है कि जातिवाद जो ना, ये एक हिंदू धर्म के लिए अभिशाप है, और जब तक हम इस जातियों को, छुआछूत को ख़त्म नहीं करेंगे तो हिंदुओं का इकट्ठा होना बहुत मुश्किल होता है। और ये आज से नहीं, जब से जो ना, मतलब कई हज़ारों पीढ़ियों से, हज़ारों सालों से देखेंगे तो ये जातिवाद जो ना पनप रहा है। रही बात, कभी उत्थान नहीं हुआ हिंदू धर्म का, हमेशा पतन होता रहा। इसी हिंदू धर्म से मुस्लिम अलग होकर चले गए, इसी हिंदू धर्म से जो ना क्रिश्चियन अलग हो गए, इसी हिंदू धर्म से जो ना आपके जो ना ये दूसरे जो धर्म हैं उनके अंदर लोग चले गए, बहुत जो ना मतलब बहुत सारे हिंदू बनते जा रहे हैं, उनको वापस कैसे लेकर आया जाए और कैसे उन लोगों के दिमाग से ये बातें निकाली जाए कि भाई आप हिंदू धर्म बने, क्योंकि ये हमारे जो धर्म के आज के टाइम में जो हमारे महापुरुष वगैरह है जो धर्म का ठेका लेके बैठे हैं, सबसे बड़ी जिम्मेवारी उनकी बनती है। सर, इस बयान को योगी आदित्यनाथ जी के बयान के साथ भी जोड़ के देखा जा रहा है जो उन्होंने कुछ देर पहले दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। बिल्कुल ठीक बोला उन्होंने, यूनिटी में जो फायदा होता है वो एक बिखराव में नहीं होता। अब एक झाड़ू होती है, झाड़ू में जितनी भी तिल्ली कटे होंगे तो उसकी मजबूती है, और झाड़ू की एक एक तिल्ली अगर अलग हो जाएगी तो बहुत आराम से तोड़ उसको सकते हैं। ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इकट्ठा होने का मतलब ये नहीं है कि वो इसमें ये फैला रहे हैं कि भाई हमने तो लड़ाई करना, झगड़ा करना, कत्लेआम करना, इससे वो इसका अर्थ नहीं निकालना चाहिए, गलत है वो। क्या नाम है सर आपका? SP डागर। ये चीज़ बहुत एक साफ सुथरी इंडिकेशन है किसी भी समाज के लिए, ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, ये पूरे भारत के लिए और उसके जितने भी संगठन हैं या कोई भी ताकत अगर आपकी है तो इकट्ठा रहने में ही है। हमने हिस्ट्री में भी देखा है, मुगलों ने जब भी अटैक किया है हमारी बंटवारा करके, एक दूसरे को बढ़ा करके ही उन्होंने पैर जमाए, वही फिर अंग्रेजों ने भी किया है, हमारे बंटवारे का नजायज फायदा उठाया गया। आज इस चीज की बहुत जरूरत है, हम इकट्ठे रहें तभी हमारी तरक्की है। हिंदुओं पे जिस तरीके से पाकिस्तान और बांग्लादेश में अभी जो हालात बने हुए हैं, लगातार उन पे अटैक्स हो रहे हैं जी, उस चीज को कैसे देखते हैं मोहन भागवत जी का? उस पे ज्यादा फोकस, उस पे फोकस यही है कि अत्याचार कहीं भी हो उसको इकट्ठा रहकर ही लड़ाया जा सकता है, वो चाहे कहीं भी हो। तो उसने कोई अप्राकृतिक बात नहीं कही है, ये ऐसा होना बहुत जरूरी है। अब उन पे कोई भी ग्रुप इकट्ठा होकर के अटैक तो कर रहा है ना, कोई भी हो चाहे, तो हमें भी, कोई भी हिंदू हो या मतलब कि समाज की बात है, कोई भी समाज का तबका है, उनको इकट्ठा होना बहुत जरूरी है, तभी अपनी रक्षा कर पाएंगे,
तभी अपने समाज को बचा पाएंगे। आदित्यनाथ जी के बयान के साथ भी जोड़ के देखा जा रहा है, जो उन्होंने थोड़े दिन पहले कहा था कटेंगे तो बटेंगे। आदित्यनाथ जी ने एक प्रैक्टिकल बात कही है कि अपने ही देश में हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो आप इस चीज का मतलब जो एक रिएक्शन है वो ये है कि भी जो भी चीज गलत हो रही है उसका हमें समाधान ढूंढना है और इकट्ठा रह के ही उसका समाधान हम ढूंढ सकते हैं। उसने कोई गलत बात नहीं कही। मेरा नाम सुशील कुमार पूनिया है जी। सुशील जी, आकल मोहन भागवत जी का एक बयान आया था, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं को खासकर जो है वह प्रताड़ित किया जाता है, इसके लिए जरूरी है कि सारे हिंदू एक साथ रहे, क्या कहना है इस पर? देखिए, ये कोई अप्राकृतिक बात उन्होंने नहीं की है। कोई भी समाज, कोई भी समूह जब तक इकट्ठा नहीं रहेगा, जब तक अपने हित के बारे में वो जागरूक नहीं रहेगा और सामूहिक कार्यक्रम के माध्यम से अपना रिप्रेजेंटेशन समाज के अंदर नहीं रखेगा, तब तक वो अपनी शक्ति से अपने समाज को बचाने में सक्षम नहीं होगा। जो मोहन भागवत जी ने बोला है ये निश्चित रूप से प्राकृतिक बात है। आपको अपने समाज की सुरक्षा के लिए सामूहिक नेतृत्व के द्वारा और सामूहिक संगठित के द्वारा सबका उसमें प्रयास रहे, तभी हम अपने समाज को सुरक्षित रखने में सफल होंगे। ये प्राकृतिक बात है। आप इतिहास भी उठाकर यदि देखेंगे तो जो समाज संगठित रहे हैं, शक्तिशाली रहे हैं, जिनका नेतृत्व तो वो भय रहित रहा है, वो समाज अपने पैरों पे खड़ा रहा है, उसने स्वयं अपनी उन्नति की है। तो इसमें कोई अलग से ऐसा लगता नहीं है कि उन्होंने कुछ ऐसा नया कहा है जो आज तक कभी हुआ ना हो। इसी बयान को जो है वो योगी आदित्यनाथ जी के बयान के साथ जोड़ के देखा जा रहा है, जो उन्होंने कुछ देर पहले दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। अब देखिए, ये तो अपनी अपनी व्याख्या है। संगठित रहना उसके परिणाम और बटेंगे उसके परिणाम, ये तो मुहावरे के रूप में प्रयोग होता है। तो बात वो भी वही है, बटेंगे तो कटेंगे, स्वाभाविक रूप से कटेंगे। जब हमारा एक हिस्सा जो है यदि बट जाएगा तो वो अपने ग्रुप से, अपने समूह से, अपने समाज से निश्चित रूप से कटता ही जाएगा। इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। बटेंगे कटेंगे वो भी एक ही बात है, और सामूहिक रूप से संगठित रहेंगे वो भी एक ही बात है। इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि दोनों में कोई भेद है। हाँ, रिप्रेजेंटेशन अलग है, विभिन्न समाचार मीडिया के माध्यम से उसका राजनीतिक दृष्टिकोण से विश्लेषण अलग अलग करते हैं, वो अलग बात है। मुझे नहीं लगता कि दोनों में कोई अंतर है।